वो भैया ये क्लच बार कैसे रहा है? इस प्लेयर का नाम इटियन है और तुम लोगों ने इसका नाम भाई इतनी बार स्पैम किया कल कमेंट सेक्शन में। आई वाज लाइक भाई साहब ये कौन है लेजेंड। अगर आप लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, नीचे आकर के सब्सक्राइब बटन दबाओ नोटिफिकेशन बेल के साथ, एंड कमेंट सेक्शन बताओ अगला कौन सा प्लेयर तुम चाहते हो कि हम कवर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। क्लच देखो सबसे पहले वाला M4 क्या चलाता है भाई पागल लेवल की। ओ भाई साहब देखा तुमने, मैं इसी चीज की बात कर रहा था भाई। ये M4 इतनी पागल जैसे चला रहा था, M7 ऐसे चला रहा था, ऐसे क्लच मार रहा था ना भाई गलत समय पे गलत चीज करके। कौन पागल है। आज हम बात करने वाले हैं गूगल बाबा गेमिंग के बारे में भाई। मजाक मॉन्टेज बताओ तो एकदम ओपी बनाता है और साथ में भाई जो गेम प्ले है ना भाई, मैं गेम प्ले देख के पागल हो गया। आई वाज लाइक भाई ये बाप प्लेयर है, गूगल बाबा सही में गूगल से सीख क्या है भाई। अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल गड़वा के ना ढोलक बना देंगे। ओ भाई साहब बहुत जोर से। अरे अरे बाबू भैया अरे क्या प्लेयर है भाई, कुछ भी मार रहे हैं। हे गाइस आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। तो कैसे हो यार सभी लोग, उम्मीद करती है अच्छी होंगे। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जिसे सीखने के बाद आप ड्रॉप शॉट के मालिक बन जाओगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, हमारे किंग यांगड़ू भैया ने गूगल बाबा और इटियन को क्या ही तारीफ किया उस ड्रॉप शॉट के लिए। और स्प्रे वगैरह तो अलग है उसका छोड़ दो, वो जो ड्रॉप शॉट है वो ड्रॉप शॉट आपको कैसे मतलब प्रैक्टिस करना है, कैसे ट्रेनिंग सेशन में जाके आप उसे मतलब परफेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो मुझे इंस्टा भी फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब बात करते हैं इटियन के ऊपर। तो भाई इटियन भी मेरा कभी फ्रेंड हुआ करता था, वो अभी ग्लोबल वर्जन में नहीं खेलता, अभी केआर वर्जन में खेलता है। और गूगल बाबा भी मेरे लिस्ट में था, फिलहाल अभी मिल नहीं रहा है, और ये है उसका केआर आईडी इटियन का। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन लोगों ने उस चीज़ को मास्टर कैसे किया था। वो सिंपल सी बात है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया था और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह करके वो लोग मास्टर कर चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन वो ट्रेनिंग क्या है वो अभी तक उन लोगों ने नहीं बताया शायद। चलो कोई ना मैं बता देता हूँ, बस आप वीडियो के एंड तक देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो मैं जल्दी से चलता हूँ ट्रेनिंग सेशन और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इस ट्रेनिंग को आपको कैसे और कहाँ करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग सेशन में। आपको यहाँ पे आके दो अपना फेवरेट गन उठा लेना है और अटैचमेंट एमओ वगैरह सब कुछ उठा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वो दो M4 ही हो, आपका एक एम बैरल भी हो सकता है। उसके बाद एक रेड डॉट या हॉल उठा लेना है और एक मिड रेंज वाला स्कोप उठा लेना है जैसे कि 3x 4x कुछ भी हो सकता है। बस इतना होने के बाद सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है प्रोन और गन स्विच। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोन और गन स्विच। अगर आपने पहले गन स्विच किया फिर प्रोन किया फिर भाई कुछ और ही गलत सीन बन जाएगा। जैसे कि देख सकते हो कैरेक्टर थोड़ा स्लोली प्रोन करेगा, तो इस चीज़ के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से, पहले प्रोन उसके बाद गन स्विच। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते हो तो भाई पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अभी सब मास्टर करो, फिर उसके बाद आते हैं भाई एम और एक्यूरेसी। भाई इस चीज़ के लिए तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स पर डे 1 आवर तो आपको आराम से करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस करना है यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा है यहाँ पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है ट्रेनिंग सेशन में आके, और कितना मीटर पे बंदे को डाउन करना है, कितना मतलब लेवल 3 वेस्ट होना चाहिए या लेवल 2 वेस्ट होना चाहिए, ये सब आप अपने से मैनेज कर लेना। जैसे जैसे आप मास्टर करते रहोगे ऐसे ऐसे आप लेवल अप भी करते रहना उसका। फिलहाल आप देख लो ध्यान से आपको शुरुआत कैसे करना है, और याद रखना पहले प्रोन उसके बाद गन स्विच।
वैसे मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक मास्टर नहीं कर पाया, और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा फायदा कर देता है। लेकिन भाई वो दोनों गूगल बाबा और इटियन इतना खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस किया ना भाई, मतलब मास्टर करके ही छोड़ा। आप भी उनकी तरह प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आप भी उनसे अच्छा खेलना सीख जाओ। अब वो जगह जैसे आप थोड़ा बहुत मास्टर कर लोगे तब आपको आना है यहाँ पे, मतलब बोटो के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ये जगह भी बिल्कुल परफेक्ट है बोटो के साथ 1v4 वो ड्रॉप शॉट दे दे के, तो भाई बहुत आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप मास्टर कर पाओगे इसको। बाकी TDM वगैरह में भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है आपको, क्योंकि भाई आप बहुत बार मर भी सकते हो वहाँ पे। आई होप आपको मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।